कोसीकला के निकटवर्ती गांव बठेन खुर्द के समीप गाय तस्करों ने की फायरिंग। रविवार की रात करीब 2:30 बजे गौरक्षक दल को ट्रक में गाय आने की सूचना मिली। रक्षक दल के युवाओं ने रोड पर कांटे डाल दिए और गाड़ी कांटों पर चढ़ते ही पंचर होकर रुक गई। ग्रामीणों ने गाड़ी को घेर लिया, लेकिन उसके पीछे आ रही तस्करों की कार ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी और ट्रक ड्राइवर को ले जाने में कामयाब हो गए। योगी सरकार द्वारा गौवंश बचाने के लिए ढेरों तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर गाय तस्करों पर नहीं पड़ रहा है। वो रोजाना तरीके अपनाकर गाय तस्करी कर रहे हैं। रविवार की रात करीब 2:30 बजे बठेन के गौरक्षक दल को सूचना मिली कि एक कैंटर गाय लेकर कोसी से कामर रोड पर आ रही है, तो गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने रोड पर कांटे डाल दिए। गाड़ी के कांटे पर चढ़ते ही गाड़ी पंचर होकर गड्ढे में चली गई। इतने में तस्करों की बलेनो कार पीछे से आई और उसमें मौजूदा लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। बदमाशों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की। गौ भक्ताबड़तोड़ फायरिंग को देख इधर उधर भाग गए। कार सवार ट्रक चालक और 2 अन्य साथियों को लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायरिंग की आवाज सुनकर घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ लग गई। मौजूद चौकी प्रभारी देवपाल ने बताया कि गाड़ी में 15 छोटी गाय भरी हुई थी। इनमें से 8 गाय गाड़ी में ही मर चुकी थी। ग्रामीणों ने मिलकर ट्रक को खाली कराया। बेहोश गायों को माताजी की गौशाला से एम्बुलेंस बुलाकर उपचार के लिए भेजा। मृत गायों को JCB से जमीन में दबा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फायरिंग इतनी जबरदस्त की गई जिसमें ट्रक के शीशे भी टूट गए। गौरक्षक दल में डॉक्टर बिजेंद्र, महेंद्र, जगत, शैलेंद्र, विकास पंडित, रतन, पवन, सुखवीर आदि की कड़ी मशक्कत के बाद 7 गायों को बचाया जा सका, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जल्द रोड पर पुलिस नहीं बढ़ाई गई तो बड़ा हादसा इस रोड पर हो सकता है, क्योंकि गाय तस्कर रोजाना इसी रास्ते से गायों की तस्करी करते हैं। जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, अरे मामला आज का नया मामला थोड़ी है, रोजाना गाय निकल रही है। प्रशासन से बार बार हम छाता तक पहुँचे आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। गाँव के लड़के ये जो कुछ कर रहे हैं बेचारे, रोक थाम कर रहे हैं, इन पर सीधी गोली चले। आज कितनी गाय पकड़ी और कैसे कैसे पकड़ी है? क्या जी, आज कितनी गाय पकड़ी है? अब गाय लगभग 14-15 गाय है ये, कुछ मरी पड़ी आप देखी ना, ये कुछ बच गई हैं। घटना तो बहुत दुखद है ये, और अफसोस नहीं है और शर्मनाक है, तीनों बातें। हिंदू इलाके में से गाय दिन दहाड़े तस्करी की जा रही है और पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक है। कोसी भी चौकी है, बठेन गेट पर चौकी है, कामर चौकी है, रात के पुलिस बिल्कुल नजारत रहती नहीं है। बताओ, एक औपचारिकता अब आज पकड़ी गई है। बच्चों ने, हमारे गांव के बच्चों ने जान पर खेल के ये जो तस्करी करने वाली गाड़ी है पकड़ी। ऐसे में कोई यदि मर जाता है तो उल्टा केस लग जाता है, नहीं मरता तो कोई बात नहीं है, ये मर जाओ। ये हमारे कोसी कामर रोड है जी, इस पर रोज गौ तस्करी होती है। हमारे 2-3 गांव ग्रामवासियों ने ये गाड़ी को रोकने की कोशिश करी, तो उनमें मुसलमानों ने गाड़ी पर गोली चलाई बच्चों पर। बच्चों ने और कोशिश करके गाड़ी अड़ा के आके गाड़ी रोकी, उसमें 8 गाय मृत घोषित हुई हैं और बाकी की जीवित हैं जिनको उपचार करे जा रहा है। कितनी गाय हैं टोटल? 15 गाय। हाँ, गाँव बठेन खुर्द में और पी परिवार की समाने में ये गाय गाड़ी रोकी गई है। गाड़ी किस तरीके से रोकी गई? गाड़ी इस तरीके से रोकी है जी, उन्होंने की गाड़ी आए गए साइड में लगाए के साइड लगाई है गाड़ी के, कांटा 4-7 से गाड़ी रोकी गई दूसरी गाड़ी से। कितने लोग थे वो मौके पर? 20-25 लोग है गौरक्षक के।